सारण जिला के कई प्रखंड एवं कई गांव में विनाशकारी बाढ़ के पानी से कई आशियाने उजड़ गए। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को खाने पीने की सहने रहने की समस्या उत्पन्न हो गई। सबसे बड़ी मुसीबत मवेशियों का चारा को लेकर, साथ ही महिलाओं को शौच की समस्या काफी मुश्किल भरा हो गया चुका है। इसी क्रम में अमनौर विधानसभा की भावी प्रत्याशी तथा समाजसेवी महिला नेत्री पूनम राय ने विभिन्न पंचायतों करसा परसा मदारपुर पैगा मित्र सेन के विभिन्न गांव में ट्रैक्टर से जाकर बाढ़ पीड़ितों के बीच चिचिवरा मीठा तथा सत्तू प्याज नमक आदि का वितरण किया तथा छोटे छोटे बच्चों के लिए बिस्किट चॉकलेट का भी वितरण किया, जिसके बाद बाढ़ पीड़ित बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इनके इस कार्य को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है और बने भी क्यों ना। यह महिला का दृढ़ शक्ति देख लोग भी अचंभित हैं कि एक महिला इस आपदा की घड़ी में 3 से 4 फीट पानी हेल कर कभी नाव से कभी ट्रैक्टर से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रही है, जहां कोई पूछने वाला नहीं है। पूनम राय लगातार 25 दिनों से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरित कर रही है। न कोई पद न कोई फंड होते हुए भी करीब सैकड़ों क्विंटल चूड़ा मीठा सत्तू और प्याज का वितरण कर चुकी है। इससे पहले नौरंगा बसंतपुर शाहपुर नौकरा पुलवरिया चकिया तकिया चांदचक कैतुका नंदन लच्छी परसा गवंदरी सिरसा जाफरपुर सरैया कटसा आदि गांव में बाढ़ पीड़ितों को राशन सामग्री बांट चुकी हैं। इसमें मुख्तार राय, सहूद अंसारी, इम्तियाज अंसारी, सलीम खान, पंकज यादव, भुवर यादव, सनी ठाकुर, अविनाश मेहता, गुड्डू मेहता का भरपूर सहयोग मिला। मर्चा देके हम पीता न करब। खुला 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 मैं पूनम राय, समाज सेवी व भावी प्रत्याशी 120 अमनौर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से। लगभग मैं बाढ़ जब से आया हुआ है तब से मैं 150 कम से कम 150 क्विंटल मैं राशन सामग्री वितरण कर चुकी हूं और करती रहूंगी। और मैं डीएम साहब से भी मिली थी कि पूरा अमनौर विधानसभा को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए और महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था किया जाए और जो ऊंचे जगह पर रह रहे हैं माल जाल जो रह रहा है उसके लिए चारा का भी सुविधा किया जाए।